नमस्कार, यूपी क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगले में आपको डिक्टेशन देंगे, तो दोस्तों आप सब तैयार हो जाएं डिक्टेशन के लिए। कॉपी निकाल लें, कलम निकाल लें, तैयार हो जाएं। और हम भी आपके लिए तैयार हो गए, चलें। चलिए देख लीजिए, डिक्टेशन अभ्यास 3, 4, 5, 3 अभ्यास, ठीक ना? चलें। कल, खल, घर, गरम, शरम, पर, कर, खटक, मटक, चटक, टपक, तड़प, भड़क, लपक, अंगा, ठठक, छत, जमघट, झटपट, तट, थरथर, नमक, करत, दमक, धमक, नमक, पकड़, फरस, वट, मन, बर्तन, भरम, मन, रट, लंप, समय, धर्म, सरपट, हम, वह, पढ़ा, बड़ा, अंगा, कलक, मख, पग, जंग, करघ, रह, रढ़, मच्छर, गाय, रट, लज, जप, पत, नभ, मचमच, जगत, नम, रटन, लव, जतन, कस, सहज, कल,
कलम कब कछ अंगा लाभ परब तरह रहम वय पट पत मग गम जग गज छक चट ढक कट डट झट डग ठग नट थन धन नग तन छन फन जब तब कब कम मन बन धार चल हल रख जल यह मटर सहार टहल जलाना भजन पटक रपट झपट रटन पहन महक कटहल मल मल हल चल खटमल बर्तन टम टम पान घाट रह पट घर पर चल बक बक मत कर जल भर रच मर पर चरण मरण परक जहर मगर हर हर कर चरण पर सरधर दंड। दोस्तों, हमने आपको 3 अभ्यास 4 अभ्यास 5 अभ्यास का एक साथ
डिक्टेशन दे के आपको अभ्यास करवाया है। मुझे विश्वास है कि आप सब पूर्णता लिख लिए होंगे। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमी है, इसलिए कि जितनी समय में आपको जैसे LKG कक्षा एक में यानी व्यंजनों का जोड़ है, जितने समय में हमें बोलना चाहिए मैं उतने समय में ही बोला हूँ। इतने समय में तो अगर मैं स्पीड में बोलता तो एक मिनट में 80 शब्द बोलता या 100 शब्द बोलते, पर मैं उतना तेज बोलता कि आप लिख ना पाते, कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आपके लिहाज से हमने बोला है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, और यदि नहीं लिख पाए हैं तो इसी शब्द को, इसी वीडियो को कम से कम आप 20 बार चला के लिख लें, ताकि आपको याद हो जाए। कल आप कहें कि मेरी स्पीड नहीं चल रही है, भाई आपको व्यंजन का व्यंजन सिखा दिया गया, व्यंजनों का जोड़ दिखा दिया गया, सिखा दिया, लिखवा दिया, इसलिए एक एक शब्द को हमने बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। लिखवा दिया, आपसे कहा कि आप तैयार करके आइए, फिर आज हमने आपको बोल भी दिया है। तो यदि आप कहीं ना कहीं नहीं लिख पाते हैं तो आपका दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर नहीं लिख पाए हैं तो फिर से आप कई बार लिख लें, वीडियो ऑन करके कम से कम तो 20 बार लिख लें, ताकि इतनी स्पीड में आप लिख लें कि मेरे बोलने से पहले आप लिख लेंगे। विश्वास है कि हम जितना करें उतना करेंगे। मुझे बोलने से पहले, हमने पहले उदाहरण दिया है कि जैसे बिजली का स्विच ऑन किया जाता है और कितनी देर में बल्ब जल जाता है, अनुभव आप कर लो। तो मेरे मुँह से डिक्टेशन निकला नहीं कि आप उतने समय में लिख लें, तब तो एक अच्छे लेखक होंगे शॉर्ट हैंड के, अन्यथा अगर सोचेंगे या नहीं लिख पाए हैं तो ये आपका दोष है, मेरा कोई दोष नहीं। ठीक मित्रों, आगे चलते हैं हम, बस आज यहीं चलिए, ठीक है। और जैसा कि कल हम आपको स्वर के विषय में लिख के दिया था और आपकी किताब में भी है, इसको खूब अच्छी तरह से आप याद कर लें। हम कल नेक्स्ट डे आपको स्वर बताएंगे कैसे लगाया जाता है, ठीक ना। कैसे, जैसे आप हिंदी में देख लें, जैसे व्यंजन लिखे ए धन का बराबर एक हुआ ना, तो ये स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। इसी तरह से शॉर्ट हैंड में भी हम कल आपको व्यंजनों का जोड़ में कौन सी मात्रा कहाँ कैसे लगेगी, स्वर का प्रयोग हम कल बताएंगे आपको, ठीक है सर। दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर अगला कल। नमस्कार।